पैलेस है और इस पैलेस को देखने के लिए स्पेशली हम बैंगलोर से आए हैं आज घूमने। मैं वैसे सेकंड टाइम आया हूँ यहाँ। जो नाइट का व्यू होता है वो एकदम अलग ही होता है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, वीडियो में देख सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। और मैं आ गया हूँ आज राजाओं के शहर मैसूर पैलेस पे, और ये इंडिया का सबसे बड़ा पैलेस है जो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। ये देख सकते हो आप मेरे पीछे, मैसूर पैलेस में घूम रहा हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, अभी हो रहे हैं 10:30, एंट्री होगी अंदर। और इस पैलेस के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या आप इसमें क्या क्या विजिट कर सकते हो। जैसे कि मेरी मैसूर ट्रिप चल रही है अभी, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है घूमने में। थोड़ी गर्मी है पर बारिश भी हो जाती कभी कभी, बट अभी धूप है थोड़ी तेज़ है तो अभी अच्छा लग रहा है घूम के, धूप में मजा आ रहा है। गर्मी ये देख रहे हो कितना मस्त नज़ारा, एक नंबर का नज़ारा जो आप देख रहे हो। और एकदम मौसम भी इतना अच्छा मिल गया कि इस समय देखने का एक अलग ही नज़ारा है जो आप देख सकते हो। और मैं आज आपको एक वर्चुअली टूर कराने वाला हूँ मैसूर पैलेस का, जो कि आपको देख के काफ़ी अच्छा लगेगा। तो यहाँ से हमारी एंट्री हो रही है, ये पार्किंग है सामने, आप देख सकते हो। पार्किंग का भी काफ़ी अच्छा खासा स्पेस दे रखा है और ज़्यादा चार्ज भी नहीं है, वो ये 30 और 20 फोर टू व्हीलर और फोर व्हीलर। और ये जो सामने देख रहे हो यहाँ से हमारा ये एंट्री गेट है, इसमें और भी 2-3 एंट्री गेट हैं आगे से। और यहाँ से आप एंट्री करोगे, जब एंट्री करोगे तो यहाँ से आपको टिकट मिल जाएगा, जो टिकट प्राइस है वो 100 रुपीज़ पर पर्सन है। तो गाइज़ अभी हम जा रहे हैं अपना लगेज रखने, क्योंकि हमारे पास लगेज कुछ ज़्यादा ही हो गया है, इतना हम उठा नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए हमें अभी थोड़ी हेल्प चाहिए। और जैसे ही आप अंदर एंट्री करोगे आपको साइड में एक टेंपल मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा टेंपल है, आप उसमें भी पहले सबसे पहला विजिट कर सकते हो। अपनी जो ट्रिप है आप यहाँ टेम्पल से स्टार्ट कर सकते हो। आप सामने देख सकते हो पैलेस का व्यू कितना मस्त नज़ारा है, और ये देख रहे हो मस्त नज़ारा। और ये इतना बड़ा एरिया, इधर ग्राउंड पड़ा हुआ है, इधर ये दूसरा गेट है जो इसका भी एक तकड़ा व्यू आ रहा है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। बट अभी जो आ रहा है घूमने में एकदम मज़ा आ रहा है, मौसम हो गया एकदम मस्त। और अब अंदर से विजिट कराएंगे इसके मैसूर पैलेस, क्या क्या इसके अंदर है वो सब कुछ दिखाएंगे। राजा ने क्या क्या रख रखा है अभी, क्या क्या चीज़ें हैं अभी जो हम देख सकते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे आज के टाइम में, वो दिखाने वाले हैं। चलो फिर अंदर चलते हैं। गाइस दिन में भी लाइट ऑन कर दी है हमारी, स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट पे, तो थैंक यू सो मच राजा जी को, थैंक यू सो मच लाइट ऑन करने के लिए। थोड़ा क्लाउडी और हो जाए तो अच्छा लगेगा देखने में। तो गाइस आज दिन में ही लाइट ऑन कर दी है, देख सकते हो आप। अगर आप रात की लाइट देखना पसंद करते हो मैसूर पैलेस की, जो कि एक नंबर होती है जैसे कि आपने वीडियो में देखा है, तो आप स्पेशली संडे को आएं, जो कि आपको सबसे अच्छा जो मस्त नज़ारा मिलेगा वो देखने को संडे नाइट मिलता है। बाकी वीकडेज भी ओपन होता है, बट कभी कभी क्या होता है कि मौसम ख़राब होने कारण से ये बंद कर देते हैं, बट संडे स्पेशली ये हमेशा ओपन रहता है, जैसे कि मेरे को जानकारी मिली यहाँ जाके। तो आप अगर प्लान कर रहे हो संडे नाइट पहुँचें मैसूर पैलेस। देख सकते हो इधर फुल गार्डन बना रखा है, काफ़ी अच्छा, बहुत प्यारा गार्डन लग रहा है। और अभी हम एंट्री के लिए जा रहे हैं उधर से पैलेस में अंदर जाने के लिए। जहाँ पे रानी घूमती थी, निखिल जी का कहना है ये वही गार्डन है जहाँ पे रानी घूमती थी, देख सकते हैं। अब इसकी पुष्टि करवाएंगे हम, अगर ये इस बात सही है तो हम राजा को रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी कुछ ना कुछ इनाम दिया जाए निखिल को। अभी मैसूर पैलेस की एंट्री के लिए जाते हुए
तो यहाँ पे देख सकते हो आप, आपको अपने जूते चप्पल निकालने पड़ेंगे और यहाँ से आप अपना वो लेके अपने जूते चप्पल उतार सकते हो अपना आराम से। और आपको एक जोड़ी जूते चप्पल के 2 रुपए देने होंगे और आपके पास वो चेंज होने चाहिए ओनली 2 रुपीज। और ये धीरे धीरे हम मैसूर प्लेस में एंट्री करते हुए, ये एंट्री होते हुए दिस इज गेट 4 नंबर, दिस मैसूर प्लेस बोर्ड मैसूर टचिंग वॉल पिलर होटल। तो ये देख सकते हो अंदर पैलेस का लुक स्टार्टिंग से कितना शानदार, कितना मस्त लुक आ रहा है, एकदम एक नंबर। और जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है, जितने अच्छे से बनाया गया इसको अंदर से, जितना बाहर से चमकता है, जितना प्यारा, उससे अच्छा अंदर आपको मैं दिखाऊंगा कि कितने अच्छे से डिजाइन किया गया है और क्या क्या चीज़ें हैं अंदर, वो देख सकते हो आप। यहाँ पर होती थी कुश्ती, राजा ऊपर से बैठ के देखते थे सारे राजा लोग। तो गाइज आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा ये वर्चुअल टूर, जितना हो सकता है मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। और पूरी कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस पैलेस के बारे में, कहाँ क्या क्या हुआ है, और आगे आपको दिखाता रहूँगा कि क्या क्या इसमें आने वाला है नेक्स्ट। तो देख रहे हो ये सामने है शादी मंडप, और यहाँ पे देखो कितना मस्त एकदम, जो यहाँ पे जो फैन और ये लाइटें लगी हुई सब विदेशी माल लगा हुआ है, राजा ने एक एक सामान बाहर से एक से VIP सामान लगाया हुआ है इधर। देख लो भाई राजा की फैमिली देख लो, कोई राजा की खासियत, बाप बेटे एकदम सेम, बेटी मम्मी एकदम सेम। तो गाइज अब दिखाते हैं आपको पिक्चर ऑफ रॉयल फैमिली, ये आप देख सकते हो आराम से पढ़ सकते हो, क्लिक करके पोज करके वीडियो को। तो ये जो देख रहे हो ये है रॉयल चेयर रूम, राजा का चेयर वाला रूम। और ये जो बीच में देख रहे हो चेयर, ये हाथी के दांत की चेयर बनाई हुई है, और ये एक हाथी था जिसका नाम गजेंद्र था, वो मर गया, उसी के दांत की चेयर आप देख रहे हो। और जो इस साइड में दो चेयर हैं ये चांदी की चेयर लगाई हुई है। ये थी अखाड़े में एंट्री करने का रास्ता, यहाँ से जाते थे कुश्ती लड़ने सुल्तान फील्ड में लड़ने के लिए। गाइस यहाँ से तोप गोले चलते थे भाई राजा के, यहाँ पूरी तोपे लगा रखे हैं, यहीं से बंदूक गोली छोड़ देख रहे हैं। तो गाइस ये देख रहे हो पूरी सोने की पालकी बनी हुई है एकदम, अभी आज भी ऐसी रखी हुई है, देख रहे हो एकदम सोना चमचमाता हुआ, राजा था भाई, हल्के में ले रहे हो।
तो अब लेके चलते हैं आपको पैलेस के अंदर पार्लियामेंट के, जो कि इसे बोलते हैं दीवाने खास। और यहाँ पे राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठक लगाता था, जो भी स्पेशल डिस्कशन होते होंगे, जो भी होते होंगे उस टाइम के, तो वो सारी मीटिंग यहीं पे होती थी, स्पेशल मीटिंग। जो कि आप देख रहे हो कितना मस्त नज़ारा लग रहा है यहाँ पे। देखो सिल्वर डोर एक ही है, एक इधर है, तो बताओ फिर उतरवा देते हैं यहाँ से। फाइनली भाई पैलेस में घूम लिए पूरा, काफ़ी अच्छा लगा, मस्त बना रखा है राजा ने, काफ़ी अच्छे अच्छे शौक करे जो कि देख कर अच्छे लगे। राजा की बात ही कुछ निराली थी। ये अब हम एग्जिट करते हुए मतलब पैलेस के अंदर से, लेकिन अभी अभी हम बाहर अभी थोड़ा और घूमेंगे। श्री प्रसन्ना कृष्णा स्वामी टेम्पल, ये आप टेंपल विजिट कर सकते हो अगर आप इधर आना चाह रहे हो तो। और एक सामने ये टेंपल है। पहले इसमें घूम के काफी थक गए हैं, अब चाहिए मेरे को चाय, तो अभी मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे चाय, चाय पीते हैं फिर। हे गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, अच्छी लग रही है तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा आपको मैसूर पैलेस देखने में। मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा, नाइट व्यू एक नंबर होता है, और अगर प्लान कर रहे हो तो दशहरे पे आ सकते हो, काफ़ी अच्छा व्यू रहने वाला है। तो गाइस ये देख सकते हो इधर एग्जिट गेट है इसके, काफ़ी दूर दूर तक इतना बहुत बड़ा एरिया दे रखा है यहाँ पे। और जो मेनली जो यहाँ आने का प्लान कर रहा हो कोई, तो दशहरा पे स्पेशली आ सकता है, जैसे पता है इंडिया का सबसे बड़ा दशहरा यहीं पर होता है। हेलो, तो फाइनली मैसूर पैलेस घूम लिए, और आज मैसूर पैलेस का ये था सेकंड ट्रिप, और अभी हम जा रहे हैं नई जगह, उसकी नई वीडियो डालेंगे। अभी फ़िलहाल करते हैं इसी वीडियो को यहाँ पे एंड, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।